नवीन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का लेक्चर 4 में स्वागत करती हूँ। 3 क्लासों में हमने पढ़ा कि इससे जो पहला चैप्टर था मनी चैप्टर था, नेक्स्ट था बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग के फंक्शन, बैंक का परिचय आदि। अब आते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन पे। पहले हम कल का जो हमने पढ़ाया वो रिविज़न कर लेते हैं हम। तो देखिए उसमें क्या था, मैंने बताया था व्हाट इज़ अ बैंक, बैंक क्या होता है। तो बैंक के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि बैंक कहाँ से आया है। बैंक आया है इटालियन वर्ड से। इटालियन वर्ड क्या है, अब इटालियन वर्ड है BANCO। अब ये क्यों है, क्योंकि पहले के जो लोग थे, मतलब इटालियन जो लोग थे, वो कहाँ बैठकर अपने व्यापार करते थे, बेंचों पर बैठकर अपना व्यापार करते थे। तो इसलिए जो बैंक वर्ड है वो कहाँ से आया, बैंको वर्ड से आया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा युग, हमारा विकास होता गया, वैसे वैसे इटालियन वर्ड से वो हो गया फ्रांस वर्ड, और फ्रांस भाषा ने दिया बैंक के वर्ड, क्या दिया, बैंक के वर्ड। उसी को देखते हुए आगे वो बैंक के वर्ड हो गया बैंक, जो हम यूज में लेते हैं, जो सभी बोलते हैं, बैंक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक विकास किस भाषा से हुआ बैंक का, तो बैंकिंग का आधुनिक विकास हुआ यूरोपीय भाषा से। कहाँ से हुआ, यूरोपीय भाषा से। और बैंक जो है हमारा तृतीय क्षेत्र का भाग है, मुद्रा बाजार के संगठित बाजार का भाग है। और कहाँ शामिल है, ये संघ सूची में शामिल है। तो ये होता है बैंक। अब आते हैं बैंक की परिभाषा। बैंक की परिभाषा हमने पढ़ा था, बैंक एक ऐसी संस्था है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कंपनी है, जो जनता की छोटी छोटी बचतों को, छोटे छोटे उनकी जमाओं को जमा करती है और उन्हें क्या देती है, ऋण देती है। ऋण वो चेक के माध्यम से दे सकती है, ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकती है, कैश के माध्यम से दे सकती है, किसी भी तरीके से वो दे सकती है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनताओं की जमाओं को स्वीकार करती है और ऋण देती है। इसके लिए वह एक ब्याज दर भी अपनाती है, वो उसके हिसाब से सुटेबल होती है। तो देखिए ये होती है बैंक की डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ी थी बैंक के कार्य। क्या पढ़ा था हमने, बैंक के कार्य। तो बैंक के कितने कार्य पढ़े थे हमने, बैंक के हमने पढ़े थे 5 कार्य। वो होते हैं कौन कौन से, पहला था जमा स्वीकार करना, सेकंड था ऋण देना, पहला जमा स्वीकार करना, सेकंड ऋण देना, थर्ड आपका था कौन सा था, साख निर्माण का कार्य करना, फोर्थ एजेंसी सेवाएं, और फाइव था अन्य कार्य। अब आप जमा स्वीकार करना से मतलब क्या समझते हो, तो देखो जमा स्वीकार करने का मतलब है हम जो छोटे छोटे लोग हैं वो हम अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा बचाकर इकट्ठा करते हैं और उसको बाद में हम क्या करते हैं, बैंक में जमा कराते हैं। तो बैंक हमारी जमाओं को स्वीकार करता है, उन्हें रखता है। तो वो उसके लिए वो अलग अलग खाते खोलता है हमारी सुविधा के लिए, बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमाएं और मांग जमाएं। इन सबको डिटेल में मैं पहले वाले लेक्चर 3 में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका आता है कौन सी सेवा, ऋण देना। कौन सा कार्य, ऋण देना। अगर बैंक जमाएं स्वीकार करेगा तो बैंक के पास खान तो है नहीं कि वो अपने पास पैसे देता जाएगा, तो वो कहाँ से ऋण देगा, जो हमने जमा कराया है वो उसी में से ही क्या देता है, ऋण देता है, क्या देता है, ऋण देता है। तो ऋण वो 3 प्रकार से देता है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। जो जिसको सुटेबल हो वैसे ऋण लेता है, लेकिन एक निश्चित अवधि भी देता है उसको कि आप इस अवधि तक हमें हमारा ऋण चुका दें। और अगर वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो बैंक उस एवज में उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है, ये उसे अधिकार है। उसमें आता है एक अधिविकर्ष। अधिविकर्ष क्या होता है, तो देखिए यदि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं लेकिन हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत है, क्या है, ज़्यादा की ज़रूरत, तो हम अपने द्वारा जमा की हुई राशि से यदि अधिक राशि निकाल सकते हैं लेकिन वो भी एक लिमिट में, तो वो क्या है, अधिविकर्ष। हमारे द्वारा जमा की हुई राशि में से हम उससे अधिक राशि निकाल सकते हैं, वो होता है अधिविकर्ष। नेक्स्ट आता है एजेंसी सेवा में। एजेंसी सेवाओं के अंदर बैंक चेक देती है, भुगतान करती है, रिसीव करती है, तो वो एक एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। इसके अंतर्गत मैंने 2 चेक बताए थे, वाहक चेक और रेखांकित चेक। और वाहक चेक क्या होता है, जब हम चेक लेकर जाएं बैंक में और बैंक हमें कैश का भुगतान करे, कैश दे, तो वो होता है वाहक चेक। लेकिन अगर रेखांकित चेक के बारे में पूछे तो रेखांकित चेक क्या होता है, वो ये होता है कि हम बैंक में जाएं चेक लेकर,
बैंक हमें कैश ना दे और सीधे ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, वो क्या होता है? रेखांकित चेक। नेक्स्ट आता है अन्य सेवाएं, उसमें थी ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि, और लॉकर की सुविधा। तो ये सभी थे बैंक के कार्य। व्हाट इज बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक, दोनों कंप्लीट हो चुके थे। हमारा आधार क्रेडिट क्रिएशन मैं साख के बारे में बता चुकी हूँ। बैंक जो जमाएं स्वीकार करती है उसी में से वो ऋण देती है, तो इस प्रोसेस में वो जो हिस्सा, वो जो प्रॉफिट अपने पास रखती है वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। आया समझ में? उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये मैं बताऊंगी, लेकिन पहले साख निर्माण कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो देखिए साख निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले ये बताइए कि बैंक की टोटल डिपॉजिट कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए कहाँ कहाँ होती है बैंक की टोटल डिपॉजिट्स, CRR प्लस SLR प्लस लोन। CRR क्या होता है? सबसे पहली बात, CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, कैश नगद तरलता अनुपात। तो देखिए CRR प्लस SLR प्लस लोन। अब सबसे पहले आता है CRR, फिर आता है SLR, फिर आता है लोन। तो यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो बैंक का क्या है वो टोटल डिपॉजिट, कि जो उसने RBI को दिया, जो उसने जनता से लिया और जो उसने जनता को दिया, इन तीनों चीज़ों को मिला के बैंक की कुल जमाएं हमें प्राप्त हो जाती है। जब हमें ये प्राप्त होती है तो देखिए यदि हम CRR और SLR को जोड़ दें, क्या करें, CRR और SLR को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें होता है RR, इसको बोलते हैं LRR, लेकिन हम इसको बोलेंगे RR, मतलब रिजर्व रेशो। क्या बोलेंगे? रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो ऐसे होता है, जैसे मान के चलो हमने माना 20% रिजर्व रेशो है, 20% रिजर्व रेशो हमने मान लिया कि जो हमारी बैंक है वो CRR और SLR का 20% अपने डिपॉजिट्स में रखती है, अपने प्रॉफिट में रखती है, तो वो हमने माना है 20%। तो देखिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि साख का निर्माण कैसे होता है। तो साख का निर्माण कैसे होता है, हमने हमारी RR रेट क्या हो गई हमारी 20%, जो हमने यहाँ पे दे रखी है, ये नगद कोष रिजर्व रेशो। तो देखिए मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए। क्या किए? एक ए व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए। बैंक जमा तो करती है 10,000, लेकिन 10,000 में से ही बार बार ऋण देती है, फिर ऋण देती है, फिर ऋण देती है। तो ऐसे हालांकि हमको लगता है बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि वो सभी से जमा स्वीकार कर रही है और सभी को ऋण दे रही है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास कितने हैं, जो किसी ने जमा कराया है वो उसके पास क्या है, एक्चुअल पेमेंट है, एक्चुअल डिपॉजिट है। तो देखिए हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि साख ऋण कैसे होता है। तो सुनिए, मान के चलो कोई ए व्यक्ति है, ए ने बैंक में जमा कराए 10,000 रुपये, कितने कराए 10,000, बैंक का नगद कोष है 20%, तो बैंक कितना काटेगी 20%, तो 10,000 में से बैंक ने 2,000 तो खुद के पास रख लिया, है ना। ऐसे समझाते हूँ आप लोगों को कि बैंक ए, जो ए व्यक्ति है हमारा, ए व्यक्ति कि हमारा जो ए व्यक्ति है उसने बैंक में जमा कराए 10,000 रुपये, कितने कराए हम बैंक ने 10,000 रुपये जमा कराए हैं, 10,000 में से क्या हुआ, 10,000 में से 20%, मतलब बैंक ने 8,000 रुपये तो अपने पास रख लिए और 20%। तो देखिए हम इसको ऐसे समझेंगे साक्षीजन को, हम एग्जांपल लेते हैं, ए ने जमा कराए हैं बैंक में 10,000 रुपये, ए व्यक्ति ने जमा करा दिए 10,000 रुपये, हमारी नगद कोष रेट है 20%, तो देखिए 20% हिस्सा बैंक अपने पास रखेगी और 80% वो दे देगी, तो 20% होता है 2,000 और ये होता है 8,000, तो 2,000 बैंक ने अपने पास रखा, तो फिर क्या बचा 8,000, 8,000 में से फिर वो लोन प्रोवाइड कराएगी, तो 8,000 में से वही 20% वापस देगी और बचा खुचा फिर से लोन प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो प्रक्रिया है 5 भागों तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी,
पांच भागों तक। तो इसको मैं पूरी टेबल से समझाती हूँ जो मैंने बनाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन में ए ने जमा कराए हैं 10,000 रुपये, करवा दिए 10,000 रुपये जमा। तो देखिए 20% जो बैंक ने रखा अपने पास, तो वो क्या रखा 2,000 रुपये, क्या रखा 2,000 रुपये, तो कितने बचे फिर 8,000। तो कुल टोटल जमा कितनी हो गई हमारी 8,000। अब बैंक के पास कितना बचा, 8 बचा, तो बैंक 8 में से ही देगी लोन। तो देखो फिर से आई है, फिर बैंक के पास जमा आती है 8,000 रुपये। अब 8,000 का फिर 20% बैंक रखेगी तो कितना रखेगी 1,600 रुपये, 8,000 का 20% 1,600। फिर देखिए अगर हम टोटल व्युत्पन्न जमाएं निकाले तो 8,000 में से 1,600 फिर बैंक ने रख लिए, तो टोटल कितना बचा, बचा कितना 6,400 रुपये। फिर 6,400 हमारे पास कुल जमाई, 6,400 में से फिर बैंक क्या करेगी 20% काट लेगी, 20% काट लेगी, तो वो 20% होता है 1,280। फिर हम टोटल डिपॉजिट निकालेंगे, वो आती है 5,120 रुपये। 5,120 रुपये के बाद वो उसके बाद टोटल जमाई बैंक के पास फिर 5,120। फिर वो क्या करेगी, वापस 20% काटेगी और टोटल निकालेगी। ऐसे करके पांच भागों में ये प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। समझ में आया साख निर्माण कैसे होता है, ऐसे होता है। अब हम निकालेंगे व्युत्पन्न जमाएं कैसे निकलती है। तो देखिए व्युत्पन्न जमाएं कैसे निकलती है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए टोटल डिपॉजिट होता है हमारा SLR CRR प्लस लोन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए ये टेबल से आपके समझ में आ गया होगा क्या कितना आया है, लेकिन हम इसको सूत्र में रखेंगे। तो हम पहले निकालेंगे व्युत्पन्न जमाएं, क्या निकालेंगे, व्युत्पन्न जमाएं। तो आप देखिए व्युत्पन्न जमाओं का सूत्र क्या होता है बताइए, हम व्युत्पन्न जमाओं का सूत्र ऐसे कह सकते हैं। व्युत्पन्न जमा क्या है हमारी, देखिए इसको बोल सकते हैं हम सिग्मा डीडी। उसके बाद हम व्युत्पन्न जमाएं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमारी कुल जमाएं, कुल जमाएं कितनी है हमारी, और उसमें से हमने बैंक ने कितना काटा, बैंक कितना काटती है हर बार 20%, क्योंकि हमने रेट डेस्क की कितनी मानी थी 20% मानी थी, तो इसमें से हम घटा देंगे सिग्मा RR। तो देखिए हमारा कुल टोटल सिग्मा DD, DD कितना है यह हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, व्युत्पन्न जमाएं। इसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न जमाएं। हमने बैंक में टोटल कितना जमा कराया, मान के चलो धीरे धीरे करके ये हो गया हमारा पूरा टोटल, तो ये हो गया हमारा 50,000। बैंक ने इन सभी में से कितना काटा, 2, 1,600, 1,280, 1,240, 1,280, 1,819, तो टोटल हुआ 10,000। तो बैंक ने अपनी जो व्युत्पन्न जमाएं निकाली वो क्या हुआ, कैसे निकाली, पूरे कुल टोटल जमा हो रही है हमारी 50,000 और बैंक ने काट लिए 10,000 पूरे टोटल मिला के, तो हमारी कुल टोटल कितनी हो गई व्युत्पन्न जमा 40,000 हो गई, हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि हमें क्या निकालना है, साख का निर्माण करना है, क्या करना है हमें, साख का निर्माण करना है, ये तो हो गया हमारा व्युत्पन्न जमाएं। तो व्युत्पन्न जमाओं का सूत्र क्या होता है, कुल जमाएं, जो हमने कुल जमाएं। अब कुल जमाओं में क्या है, हमने किए तो केवल 10,000 ही थे, ये तो हमारे 10,000 में से ही तो निकले हैं, लेकिन ये चीज हमें पता है, ये चीज उनको नहीं पता है, बैंक तो अलग अलग ही मानेगी, क्योंकि बैंक ने इसमें से क्या किया है, अपना अपना प्रॉफिट कमाया है। तो व्युत्पन्न जमा आ जाएगी आपकी। अब हम निकालेंगे साख, साख कैसे निकलती है, तो साख निर्माण देखिए, साख निर्माण का सूत्र होता है प्रारंभिक जमा, प्रारंभिक जमा और जो हमारा RR रेशो है, हमारा RR रेशो क्या है 20%। तो हमारी प्रारंभिक जमा कितनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो बाद की जमा है, मतलब व्युत्पन्न जमा निकल के आई है, 10,000 में से व्युत्पन्न जमा कितनी 8,000 निकली, तो ये हमारी क्या है व्युत्पन्न जमा, लगभग ये क्या है हमारी प्रारंभिक जमा। तो देखिए प्रारंभिक जमा है हमारी 10,000 और हमारी ये एक, और RR कितना है हमारा 20%। अब RR को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20%, तो देखिए इसको ऐसे लिखते से हम 100/20, 20% को 100/20 लिख सकते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 10,000 × 5 बराबर 50,000। तो हमारी कुल क्रेडिट आ गई, कितनी आ गई हमारी कुल क्रेडिट 50,000। तो बैंक ने कुल टोटल साख का कितना निर्माण किया 50,000 रुपये। तो ये होती है साख निर्माण की प्रक्रिया, आपके समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम कि हम लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन।
तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कि हमने साख का निर्माण कर तो लिया, लेकिन साख के निर्माण में भी बैंक ने कुछ सीमाएं बना दी, कुछ सीमाएं हैं, कुछ अपवाद है, वो क्यों है? तो देखिए बैंकिंग विकास का स्तर, अब हम इस पे जाते हैं तो हमारे देश में बैंकिंग विकास का स्तर काफ़ी क्या है, पिछड़ा हुआ है। क्या है? जिन देशों में बैंकिंग सेवाएं है ही नहीं, मतलब कुछ लोग ग्रामीण होते हैं, शहरी भी होते हैं, लेकिन कहीं तो बैंकिंग सेवाएं अच्छी होती है और कहीं बुरी होती है। तो हम देखेंगे जहां बैंकिंग सेवाएं अच्छी नहीं है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार अच्छा नहीं है, तो वो क्या होगी, वहाँ साख सृजन क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। मतलब साख का निर्माण क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग कम ही जमा कराते हैं और कम ही लोन देते हैं। अगर इस मामले देखें कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ की अच्छी है, तो वो है केरल की। केरल की स्थिति क्या है, सबसे अच्छी है। वहाँ के लोग पैसा जमा भी कराते हैं और लोन भी लेते हैं। तो देखिए बैंकिंग विकास का स्तर, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग विकास के स्तर में क्या है, बैंकिंग विकास का जो स्तर है, यदि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में बैंकिंग विकास का स्तर अच्छा नहीं है, बैंकिंग सेवाएं नहीं है, तो वहां साख सृजन क्षमता क्या होगी, सीमित होगी, कम होगी। नेक्स्ट सीमा पे आते हैं हम, आम लोगों की बैंकिंग की आदत। एजुकेटेड लोग या फिर बड़े लोग क्या करते हैं, उनमें बैंकिंग की आदत होती है, वो सब चीज़ किससे करते हैं, बैंकिंग से करते हैं। और हम आज देखें तो आज भी बैंकिंग युग ही आ गया है, लेकिन आम लोग अब भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। तो आम लोगों में बैंकिंग की आदत नहीं होती है, आज भी वो सारा काम कैश से ही करना चाहते हैं। तो आम लोगों की बैंकिंग की आदत अगर अच्छी नहीं है, उनमें बैंकिंग आदत नहीं है, तो वो भी साख सृजन पर सीधा प्रभाव डालती है। क्या करती है? साख निर्माण पर सीधा प्रभाव डालती है। तो आम लोगों की बैंकिंग की आदत भी इसका क्या करती है, असर करती है। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर। जैसे जैसे हमारा देश, हमारा राज्य ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे हमारे देश में उद्योग व्यवसाय भी ऊपर उठ रहे हैं। तो वो लोग इतने बड़े बड़े स्तर पर पहुँच चुके हैं कि क्या होती है, वहाँ बैंक का लेन देन इतना ज़्यादा उच्च होता है, हाई होता है, कि वहाँ साख सृजन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो वो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े डील करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, तो क्या करते हैं, साइड डील बैंक में करते हैं, तो वहाँ साख सृजन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। यदि आप बताइए केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति कैसी होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि RBI की मौद्रिक नीति इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, सारे बैंकों को अच्छी तरह निर्देश दे सके, सारी बैंक अपना अपने कार्य अच्छे से कर सके। तो यदि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अच्छी नहीं होगी, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन पर पड़ेगा। यदि सरल मौद्रिक नीति होगी तो किसको बढ़ावा मिलेगा, साख को बढ़ावा मिलेगा। आया समझ में? तो क्या करना चाहिए, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन चार है, बैंकिंग विकास का स्तर, आम लोगों की बैंकिंग की आदत, व्यवसाय व औद्योगिक विकास का स्तर, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, ये चार है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आया समझ में? तो हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में हमने ये पढ़ा कि साख निर्माण का कार्य कैसे होता है। तो आप समझ गए होंगे, हम बैंक में 10,000 रुपये जमा कराते हैं, तो हमारे 10,000 तो पूरे ही हैं, लेकिन बैंक क्या करती है, जो हमने समय दिया है उस समय में 20% खुद के पास रख के 8,000 लोन पे दे देती है। फिर वही करती है, 20% रखती है और 8,000 का फिर लोन पे दे देती है। तो ऐसे कर करके जो 20% हिस्सा आता है, वो क्या होता है, साख होती है। तो ये होता है साख निर्माण। उसके बाद साख निर्माण की सीमाएं हमने पढ़ी, बैंकिंग विकास का स्तर, आम लोगों की बैंकिंग आदत, व्यवसाय व औद्योगिक विकास का स्तर, और हमने पढ़ा केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। तो आया समझ में? अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कुल टोटल कितने टॉपिक हुए। फर्स्ट हुआ व्हाट इज बैंक, सेकंड था हमारा बैंकिंग डेफिनेशन, थर्ड है हमारा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और फोर्थ है हमारा लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो पहले वाला जो चैप्टर था वो क्या था, मनी, और सेकंड था हमारा बैंक। अब मनी और बैंक में कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि बैंक कैसे चलते हैं, मनी से चलते हैं, मनी आती है बैंकों से। अब आप पूछेंगे बैंक में से मनी कैसे आती है,
तो एक बैंकों का बैंक होता है, जैसे हर बेटे का एक बाप होता है, वैसे ही बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में पता होगा, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक क्या है? हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। जब इसकी स्थापना हुई तो इसके गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। तो हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? वो पूरे देश के बैंकों का नियंत्रण रखता है, उनका नियमन करता है, सीआरआर रेट डिसाइड करता है, एसएलआर रेट डिसाइड करता है, रेपो रेट डिसाइड करता है, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करता है, मुद्रा का लेन देन कैसा हो रहा है कैसा नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, पूरे बैंकों का संचालक होता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल हमारे देश में ही नहीं, हर देश में होता है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। लाइक एज अमेरिका, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक। क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक। तो देखिए अमेरिका का बैंक क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक। इसी प्रकार इंग्लैंड में क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो अपने पूरे देश के बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, उन्हें उन्हें आदेश देता है, उन्हें ऑर्डर देता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? तो देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तो इसका रिजर्व बैंक था मुख्यालय कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन अब 1937 में चेंज होकर, 1937 में तो देखिए जब 1935 में जब ये खुला तो कहाँ था? कोलकाता। लेकिन 1937 में कहाँ शिफ्ट हो गया? ये हो गया मुंबई में। तो आज हमारे देश का हम कह सकते हैं कि मुख्य कार्यालय आरबीआई का कहाँ पे है? आरबीआई का मुख्य कार्यालय है मुंबई। और अगर हम बात करें कि स्थानीय क्षेत्र के कार्यालय कहाँ है, तो वो चार जगह है। कौन कौन से? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। स्थानीय क्षेत्र देखिए, पहले हमारा था कोलकाता, फिर बाद में हो गया मुंबई। जब हमारे देश में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो इस पर किसका स्वामित्व था? निजी हाथों का स्वामित्व था। किसका था? निजी हाथों का स्वामित्व था। लेकिन जैसे जैसे 1949 में हमारे आरबीआई का क्या हो गया? नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। तो राष्ट्रीयकरण के टाइम पर हमारा आरबीआई पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया। तो वो है आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 को, तब यह पूरा गवर्नमेंट को हैंडओवर हो गया। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, 1937 को मुंबई आ गया, और इसके गवर्नर जो 1935 में थे वो थे सर ओसबोर्न। यदि हम बात करें हमारे प्रेजेंट गवर्नर की, तो हमारा प्रेजेंट गवर्नर है कौन? है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और यदि बात करें उप गवर्नर की, तो उप गवर्नर कौन है? श्री आर। कौन है? श्री आर। तो हमारा गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और हमारा उप गवर्नर कौन है? श्री आर गांधी। कौन है? श्री आर गांधी। तो आप बता सकते हो हमारा प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, और हमारा उप गवर्नर क्या है? श्री आर गांधी। ये हमारे गवर्नर कब बने थे? 11 सितंबर 2018 को इन्होंने गवर्नर पोस्ट ज्वाइन की थी। कौन है ये? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है।
अब आपसे पूछा जाए कि हमारे पूरे देश के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो है शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर ही सारे नोटों पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है। तो आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर करता है सारे नोटों पर, और सिग्नेचर किसके होते हैं, शक्तिकांत दास के। ये चेंज होता रहता है, इनका कार्यकाल अलग होता है। ये हो गया, उसके बाद हम आते हैं हमारी रेट पर। तो हमारी रेट देखिए कि बैंक ने जो रेट डिसाइड कर रखी है वो क्या है, तो वो भी लिख लीजिए आप, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। तो बैंक रेट क्या है हमारी, हमारी बैंक रेट क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR एंड SLR। तो देखिए इन सभी के बारे में बात करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं अभी आपको छोटे थोड़े थोड़े वर्ड में समझा सकती हूँ। हमारी बैंक रेट अच्छा है परसेंट, और हमारी बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वो होती है RBI छोटे छोटे व्यापारिक बैंकों को, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को, जिस रेट पर लोन देती है, क्या देती है, जिस रेट पर लोन देती है वो क्या होता है, बैंक रेट। तो वो कितनी है, 6%। क्या है, 6%। यदि हम बोले रेट, रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो, रेपो रेट वह है जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को लोन देता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट यदि वापस से वो जमा कराता है, व्यापारिक बैंक जो हिस्सा जमा कराते हैं वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट 5.15%। हमारा CRR कैश रिजर्व रेशो तो वो है 4%, और SLR है हमारा 15.75। ये दो मोस्ट है, CRR SLR, क्या होते हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टेचुअरी लिक्विड रेशो। क्या होते हैं CRR, देखो व्यापारिक बैंकों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा RBI को देना पड़ता है, हर बैंक को अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट RBI को देना पड़ता है, वो होता है CRR। और वो कौन सी रेट पे देना पड़ता है, 4% की रेट पे। और हमारा जो SLR है, स्टेचुअरी लिक्विड रेशो, वो क्या होता है, बैंक जो हिस्सा RBI को देती है वो होता है CRR। लेकिन अब व्यापारिक बैंक भी कोई हिस्सा रखेगी, तो जनता जो जमाए कराती है बैंक में, उसका हिस्सा जो थोड़ा थोड़ा व्यापारिक बैंक रखता है वो होता है SLR, स्टेचुअरी लिक्विड रेशो। तो ये हो गया SLR। तो ये हो गया RBI का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। RBI के खुलने में सबसे एक चीज बताऊं तो वो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और हमारे RBI के जो फाउंडर है वो कौन है, क्वेश्चन है, RBI का फाउंडर कौन है, ब्रिटिश राज, कौन है, ब्रिटिश राज। RBI का, हु इज द फाउंडर ऑफ RBI, ब्रिटिश राज। तो RBI का फाउंडर हो गया ब्रिटिश राज। तो हमने आज एक चैप्टर कंप्लीट किया है, बैंकिंग चैप्टर, कौन सा, कॉमर्शियल बैंक। कल हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक, मनी हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने पढ़ा बैंक, बैंक में हमने क्या क्या पढ़ा, बैंक का परिचय, बैंक का डेफिनेशन, बैंक के कार्य और क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट की सीमाएं, और RBI का इंट्रोडक्शन। RBI के इंट्रोडक्शन में देखें तो एक चीज और है कि RBI के एजेंट के रूप में कौन कौन से बैंक कार्य करते हैं। तो देखिए RBI के एजेंट के रूप में कौन कौन काम करता है, ये काम करता है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ये तीन बैंक RBI के एजेंट के रूप में काम करते हैं, कौन कौन से बैंक, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। ये तीनों बैंक RBI के एजेंट के रूप में काम करते हैं। RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो सभी बैंकों को संभालता है, जो सभी बैंकों का संचालक होता है। RBI हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब आपसे पूछा जाए कि हमारी जो भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, तो क्या है, डॉलर है क्या, नहीं है ना डॉलर, या फिर और कुछ नहीं, हमारी भारतीय जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया। उसको कैसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे नोट करेंगे, इससे, पहले हम करते थे इससे, लेकिन ये चेंज होकर क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया रुपए। तो भारत की मुद्रा क्या हो गई, रुपए। तो ये हो गया RBI। एक बार हम फिर देख लेते हैं, मनी, मनी हमने पढ़ाया, बैंकिंग, व्हाट इज बैंक, बैंक का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, बैंक फ्रांस
फ्रांस, इटालियन, अंग्रेज, जर्मन, यूरोपीय सभी भाषा से आया, लेकिन सबसे पहले आया किससे? इटालियन भाषा के, बट बैंकों से। आधुनिक बैंकिंग का विकास होगा यूरोपीय से। ये कहाँ का भाग है? ये तृतीयक क्षेत्र का भाग है और संगठित बाजार का भाग है। इसके बाद कार्य बताए थे, चार कार्य कौन कौन से? जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और एजेंसी सेवाएं, साख निर्माण और अन्य कार्य। इन चारों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा, साख निर्माण। साख निर्माण पता होगा, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और बैंक ऋण देती है, तो इस प्रोसेस में बैंक जो प्रॉफिट लेती है, जो इंटरेस्ट लेती है या देती है, वो हिस्सा जो अपने पास रखती है वो क्या होता है? साख। उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन की पूरी प्रक्रिया मैं समझाते हुए एग्जांपल के थ्रू समझा चुकी हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे भी पूछ सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की, क्रेडिट साख में क्या क्या चीज़ें कम है, क्या क्या चीज़ें सीमित होती है, क्या क्या सीमित है वो देखिए। बैंकिंग विकास का स्तर, हमारे देश में बैंकिंग सेवाएं बहुत कम है, पिछड़ी हुई है, कई कई जगह ज़्यादा है, कई कई जगह कम है, तो वहाँ साख ऋण क्या होती है? सीमित होती है। आम लोगों में बैंकिंग की आदत कम है तो वहाँ भी साख ऋण क्षमता कम है, लेकिन व्यवसाय वो बढ़ रहा है तो वहाँ क्या है? अधिक है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। यदि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अच्छी होगी, सरल होगी, तो क्या होगा? साख ऋण क्षमता हमारी बढ़ेगी। तो ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कल हमारा चैप्टर चलेगा आरबीआई, आरबीआई के कार्य, आरबीआई अपने क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है, कम कैसे करेगी, ज़्यादा कैसे करेगी, मनी की सप्लाई कैसे करेगी, मुद्रा की पूर्ति, और रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य है। केंद्रीय बैंक और हमारे रिजर्व बैंक के कार्य अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर देश का केंद्रीय बैंक अलग अलग होता है। तो रिजर्व बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य, साख नियंत्रण के उपाय, क्रेडिट क्रिएशन कर तो लिया लेकिन उसके उपाय क्या है, कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, वो भी हम इसमें देखेंगे। और इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, आरबीआई जो है वो क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात कि कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई बैंक में डिफरेंसेस क्या है, तो इन दोनों की तुलना करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप नवीन विद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।